गाइस, इस टाइप की वीडियो एडिट करना काफी ज्यादा आसान है। सिंपली से आपको कुछ इस टाइप से वीडियोस को शूट कर लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। सेम टू सेम आपको यही वाला एक्टिंग करना है जैसे यहाँ पर मैंने इस वीडियो में किया है। तो आपको फर्स्ट क्लिप कुछ इस टाइप से आपको शूट कर लेना है और सेकंड क्लिप आपको कुछ इस टाइप से शूट कर लेना है जैसे यहाँ पर मैंने किया है। और आपको अपने फोन की वॉलपेपर को आपको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर लेना है जिससे आप क्रोमा की से ग्रीन कलर को रिमूव कर सके। तो आपको कुछ इस टाइप से ग्रीन स्क्रीन को अपने वॉलपेपर में सेट कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपने वीडियो को शूट करना है। तो ये दोनों काम हो जाने के बाद अगर आप चाहते हैं आपका वीडियो जल्दी एडिट हो तो इसके लिए आपको वीडियो का जगह आपको फोटो क्लिक कर लेना है जिससे आपका वीडियो और भी जल्दी एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फोटो वीडियो दोनों ही शूट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं इन दोनों को डाउनलोड करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इजीली वीडियो और फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बता दूं कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। तो यहाँ पर हमारा कैपकट एप्लीकेशन में वीडियो एड हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाले क्लिप के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर ओवरले पर क्लिक कर देना है ताकि आपका ये वाला क्लिप नीचे आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा क्लिप नीचे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको चले आना है रिमूव बीजी पर, फिर आपको यहाँ पर चले आना है क्रोमा की पर, फिर आपको यहाँ पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको इंटेंसिटी को बढ़ाना है जिससे आपका ग्रीन कलर रिमूव हो जाए। और फिर यहाँ पर आपको शैडो को भी थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा इन दोनों को। फिर आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको मेन वाले क्लिप के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको कुछ इस टाइप से छोटा करके आपको इसको एडजस्ट कर लेना है जिससे ये लगे कि आपका ये वीडियो वॉलपेपर में सेट है। फिर आपको वीडियो को थोड़ा सा आगे करके जहाँ पर भी आप मुड़ेंगे वहीं पर आपको वीडियो को रोक देना है। फिर आपको क्लिक कर देना है फ्रीज पर जिससे आपका वीडियो रुक जाएगा। फिर आपको आगे वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा वीडियो को आगे करके जहाँ पर भी आप अपने आप को टच कर रहे हैं वहीं पर आपको एक कट लगा देना है। फिर आपको आगे वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। जैसे ही आपका इतना काम हो जाए फिर आपको एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है कि आपका अच्छे तरीके से मर्ज हुआ है कि नहीं। फिर आपको मेन वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक की ऐड कर देना है और फिर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहाँ पर वही आपको एक की ऐड कर देना है। फिर आपको सेम काम वही नीचे वाले में भी करना है, पहले आपको एक की ऐड कर देना है, फिर आपने सेकंड की जहाँ पर भी ऐड किया है वही की आपको नीचे वाले लेयर में भी ऐड कर देना है। फिर आपको ऐड करके कुछ इस टाइप से आपको जूम कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको मेन वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको कुछ इस टाइप से इसको फुल कर लेना है जैसे यहाँ पर मैंने किया है। और फिर आपको सेकंड वाले क्लिप को भी क्लिक करके आपको कुछ इस टाइप से इसको फुल कर लेना है। तो देख सकते हैं आपका कुछ इस टाइप से एनिमेशन बन जाएगा जो कि देखने में काफी क्रिएटिव नहीं लगेगा। अगर आपको इसको क्रिएटिव बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको बीचों बीच चले आना है और यहाँ पर आपको की के बगल में कर्व का ऑप्शन दीजिएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इज इन 3 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको वही सेम काम आपको नीचे वाले में भी करना है, फिर आपको डन कर देना है। तो देख सकते हैं आपका कुछ इस टाइप से एनिमेशन बन जाएगा जो कि देखने में काफी क्रिएटिव लगेगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपने अपने हाथ को उठाया है वहीं पर आपको एक कट लगा देना है और जहाँ पर भी आपने अपने फोन को पकड़ लिया है वहीं पर आपको एक और कट लगा देना है। फिर आपको इस वाले क्लिप के ऊपर क्लिक करके आपको इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले क्लिप के ऊपर क्लिक करके आपको ओवरले पर क्लिक कर देना है ताकि ये क्लिप आपका नीचे आ जाए। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे वाले लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहीं से चले आना है रिमूव बीजी पर और यहाँ पर आपको कस्टम रिमूवल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ब्रश को सिलेक्ट करके आपको अपने पूरे हैंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरा बहुत अच्छी तरीके से हैंड का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको इस वाले लेयर के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपने मोबाइल को पकड़ लिया है उस पर आपको एक की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर आपको वीडियो को थोड़ा सा आगे करके जहाँ पर भी आपने मोबाइल को पूरे अपने हाथ में ले लिया है वहाँ पर आपको एक की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर आपको कुछ इस टाइप से इस वाले लेयर को जूम कर देना है। जूम कर देने के बाद आपको यहाँ पर कर्व पर चले आना है और यहाँ पर आपको इज इन 3 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जिससे क्या होगा, आप जैसे ही मोबाइल को लेंगे तो ये जूम हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे वाले लेयर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा आगे करके एक और यहाँ पर आपको की फ्रेम ऐड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले की फ्रेम पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्प्लाइस पर चले आना है और इसके ओपेसिटी को पूरा डाउन कर देना है। तो इतना काम हो जाने के बाद आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो भी मटेरियल यूज हुए हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।